पार्वती। शाहमा दी शाह दरबार मा इच्छा पूर्णी जालंधर बालिका जयंती मेला एवं भंडारा जय मां निवास 965 डी मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक ज्योति पूजन किया गया, जिसके पश्चात विकास अरोड़ा एवं वरुण शर्मा द्वारा माँ भगवती का गुणगान किया गया। इस दौरान सांची आरती की गई, जिसके पश्चात कुलदीप भाटिया एंड पार्टी जालंधर वालों ने महामाई का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कई प्रेमी पिछले भी सत्संग हुए थे, सब कुछ होया है, सुन के चले जाते हैं। ऐसे वेले कह दूंगे हाँ जी असं वादा करते आवांगे। प्रेमी मेरे नाल वादा नहीं करते, मैं भी किसी नाल वादा नहीं किया। बोलो जय मां। असं मां नाल वादा किया है, ओही वादा पूरा करना है कि महाराणी जे हंकार आवे ये वाद खिंच लई। बोलो जय मां। जे हंकार आवे तो दरबार ते ना आन नहीं। बोलो जय मां। महाराणी जे अंदर साडे कुछ होवे ते मां अपने आप जानी जान है, तू भी बेड़े पार कर लेने। बोलो जय मां। जय मां। असी ता मां को लो मांग के लिया है, मांग के लेंदे रहना है, क्योंकि मेनू ता सब कुछ इसे मां ने दिता है। ते मैं तानू भी हाथ जोड़ के बेनती करनी है कि चाहे मेरे पीछे पीछे लाइन लगा लो, चाहे जिदा मर्जी कर लो, असी मां दे दरबार आना ही आना है। बोलो जय मां। जय मां। क्योंकि सतगुरु देव भगवान सानू बार बार आके हिला रहे ने, इको गल कह रहे ने, मेरी जान है वैष्णो रूप विच इत्थे है। बोलो जय मां। आज तो बाद कोई भी प्रेमी ये ना कहना कि आगरे वाली चोला छट गई। बोल दे देखो कितना कि आगरे वाली चोला छट गई है। आगरे वाली चोला छटिया, आगरे वाली मां ने हुक्म सुनाया सी, मैं तो चोला बदल रही हूं। बोलो जय मां। संतरी चोले विच सब ने देखिया, हुण मां जेडे रूप विच चौकी लैंदी सी महाकाली मां वैष्णो दे विच, उस रूप विच आ गई है। बोलो जय मां। इस करके मां ने सब उतारना है कि मां को हमेशा घुटने टेक के मस्तक टेक के मंगया करो कि मां जिस भी हाल विच रखी कुछ हाल रखी ते तेरी दया हमेशा साडे उत्ते बनी रहे। बोलो जय मां। जय मां। ते हाथ ऊंचे करके टेक दी तालियों जाके मां दे नाम दा जयकारा। ਅੱਜ ਅਸ਼ਮੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਂ।